शरीर दिखाकर स्कूल आते हैं। दिलावर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि बच्चे और बच्चियों पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता है, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई टीचर झूमते हुए स्कूल जाते हैं। दिलावर ने अपने बयान में ये बातें कही। सच्चे सोचे उन्होंने कहा है कि आखिर किस तरीके से बच्चे व्यवहार अच्छा सोचेंगे, उनका व्यवहार कैसे अच्छा होगा। दिलावर ने सही ड्रेस पहनने को लेकर भी हिदायत दे डाली है। शरीर दिखा करके और स्कूल में जाते हैं तो हमारे बच्चों पर, बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुछ संस्कार बनता है। उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनाव पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूँ क्यों विमल खुद का खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत सा पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे टंगे खाते खाते झूमते झाड़ते स्कूल जाते, बच्चे क्या सोचेंगे, दारू पीना अच्छा रहता है, मार साहब भी गुरुजी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता जिससे को संस्कार मिलते हैं वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार पालक पालिका है उनके दुश्मन है, दुश्मन। उनको शिक्षक कहना पाप। कोटा के एक ट्यूशन सेंटर के टॉयलेट में मोबाइल से लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड किया गया। खबर के बाद हरकत में आई पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के एक सफाई कर्मचारी को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। इस पूरे मामले में राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया और घटना को शर्मनाक बताया है। कोटा के ट्यूशन सेंटर में शर्मनाक हरकत, लड़कियों के वॉशरूम में सीक्रेट कैमरा, हिरासत में सफाई कर्मी, सवालों में ट्यूशन सेंटर। कोचिंग सिटी में छात्राओं के साथ कौन कर रहा है गंदी बात। एक ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में जिस तरीके से मोबाइल फोन को छिपाकर लड़कियों की वीडियो बनाई गई, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। मामला खुला तो पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया, जिसके बाद कैथनीपोल थाना पुलिस ने कोचिंग सेंटर के सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात कही जा रही है, जिन्हें डिलीट कराने का दावा भी किया जा रहा है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला कोटा शहर के थाना कैथनीपोल में हमें कल सूचना मिली थी, एक निजी ट्यूशन सेंटर जहां पर 50-60 बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां पर एक शौचालय में एक वॉशरूम में वीडियो कैमरा इसका फोन का लगा के और रिकॉर्डिंग की जा रही थी महिलाओं की, बच्चियों की। तो उसको सूचना को मिलते ही तुरंत एसएचओ सीओ मौके पर पहुंचे और फोन को जब्त किया गया। जो फोन जिसका था, जिसका नाम है विकास पवार, जो वहां पर उस ट्यूशन सेंटर में पियोन का काम कर रहा था, उसको तुरंत डिटेन कर लिया गया और उनकी जो पीड़िता है उनकी कंप्लेंट पर एफआईआर सख्त धाराओं में आईटी एक्ट में दर्ज कर और अनुसंधान जारी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सिर्फ उस विकास की अकेली की ही गलती रही है, अपराध रहा है, या इसमें और किसी की भी मिलीभगत है, उसी अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग सेंटर में हुए इस शर्मनाक वाक्य पर राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और घटना को शर्मनाक बताया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने बताया कि इस मामले पर कोटा कमिश्नर से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बच्चियों के जो बाथरूम के अंदर किसी ने मोबाइल फिट कर रखा था, तो किसी लड़की की नजर गई, जो कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनमें से किसी एक बच्ची की नजर उस पर गई, उन्होंने जाके कही, वो मोबाइल निकाला गया है। कमिश्नर साहब ने मुझे ये कहा है कि वो व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, मोबाइल हाथ में लेके उसमें जो भी आपत्तिजनक बातें थी जो उन्होंने रिपोर्ट किया था सारा डिलीट किया गया है। तो मैंने उनको कहा है कि अगर यूरिन करने में भी परहेज करें बच्चियां, अगर कोई वॉशरूम को यूज करने में परहेज करें, अगर नहाने के लिए परहेज करें, तो मैंने कहा ये कैसी जिंदगी,
तो मैंने कहा गिरफ्तारी नहीं है उसकी, अच्छी तरह से उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है वो, और पुलिस जो कर सकते हैं उसके खिलाफ वो सब कुछ करें। लड़कियों के वॉशरूम में मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी ये साफ नहीं है। पुलिस फॉरेंसिक जांच की बात कर रही है ताकि ये पता चल सके कि मोबाइल रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी, साथ ही ये भी पता चल सके कि कोई वीडियो वायरल हुआ है या नहीं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या सफाईकर्मी अकेले इस पूरे मामले में शामिल है या फिर वो किसी के इशारे पर ऐसा कर रहा था। छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इसी ट्यूशन सेंटर का सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है। बड़ा सवाल कि आरोपी ने किसकी मिलीभगत से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बेखौफ होकर ट्यूशन सेंटर में आरोपी ऐसे गंदी करतूत को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने कई छात्राओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल नहीं किया, इस वारदात को अंजाम देने वाले में किसी और की मिलीभगत तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। आरोपी से कड़ी से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। अजमेर का रुख करेंगे, बड़ी खबर है, फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। नसीराबाद में मिठाई की दुकान पर एक्शन हुआ, 150 किलो खराब मिल्क केक जो है उसे नष्ट कर दिया गया। त्योहार को देखते हुए विभाग की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी है कि प्लास्टिक के कट्टे में मिल्क केक रखा हुआ था जिसको जब्त किया गया है, सैंपल ले लिया गया है और इसी के साथ सैंपल को जांच के लिए भेजा जाएगा। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि त्यौहार नजदीक आ रहे हैं और दिवाली से पहले लगातार विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि छापेमार कार्रवाई के दौरान जो भी वहां पर अपशिष्ट पदार्थ मिल रहे हैं उनको जो है जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि कट्टे में भरकर यहां पर मिल्क केक को रखा गया था जिनको जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई को फूड सेफ्टी विभाग अंजाम दे रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ अशोक टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए? जी बिल्कुल, सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। लगातार जो है सेफ्टी टीम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग स्थानों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। आज नसीराबाद की जो बस स्टैंड है उसके पास ये कार्रवाई की गई है जिसमें 150 किलो जो मावा है और जो मिल्क केक है उसको यहाँ पर नष्ट किया गया है। काफी बदबू उसमें बताई जा रही है आ रही थी और इसको मिठाई के काम में लेने की बात सामने आ रही थी। तो इसमें अब जो है सैंपल भी लिए गए हैं, जो मिठाई वहां बनती थी जहां जहां ये जाने की जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी जो है स्वास्थ्य विभाग की सेफ्टी टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अलग अलग स्थानों पर इस तरह से जो है छापेमारी जो है लगातार की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी और अब जो है आज नसीराबाद में इस तरह की कार्रवाई की गई। तो आप देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो है लोग, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आने वाला है ऐसे में बड़ी संख्या में मिठाई यहाँ पर बनाई जाती है तो कहीं फूड को जो है खराब करके नहीं बेचा जाए, इस मामले को ध्यान में रखते हुए ड्रग कंट्रोलर की जो टीम है ये इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 150 किलो पुराना और बदबूदार ये मिल्क केक और सूखी बर्फी का मावा था जिसे आज नष्ट किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव को डिजिटली अरेस्ट करने की कोशिश ठगों के जरिए की गई, लेकिन गनीमत यह रही कि वो इस स्कैम को लेकर पहले से ही अवेयर थे। अब जाहिर है वो फंसने से बच गए। हालांकि उन्होंने डिजिटली अरेस्ट करने वाले ठगों का वीडियो दूसरे फोन से बना लिया। आज हमारी इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे स्कैमर आपके इमोशंस से खेलते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया था कि आपका बेटा 4-5 दिन पहले एक रेप मामले में था, जब ये वहाँ खड़ा हुआ था तो हमने पकड़ लिया।
स्कैमर्स की चाल से हो जाइए सावधान। दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, उन दोस्तों को पता लड़की का मैटर, उन्होंने लड़की के साथ रेप किया हुआ था। न्यूज 18 पर देखिए ठग कैसे बिछाते हैं जाल। भाई साहब बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप कैसे तीन दिन की बात तो कर मैं अभी हाथों हाथ कहाँ से लाऊं यार। रोते हुए आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी, सेम तो नहीं थी पर जैसे मेरे बच्चे की आवाज हो, पर मैं श्योर था कि मेरा बेटा नहीं है। सतर्कता और जागरूकता से दी जा सकती है मात। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। स्कैमर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव को भी स्कैमर्स ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन सतर्कता और जागरूकता के चलते वो बच गए। लेकिन उन्होंने इस दौरान ठगों का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। ये वीडियो न्यूज 18 राजस्थान के पास है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको सावधान भी करेंगे और उस वीडियो के जरिए आपको जागरूक भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव से जानते हैं कि उन्हें कैसे फंसाने की कोशिश की गई। मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया था कि आपका बेटा 4-5 दिन पहले एक रेप मामले में था, जब ये वहाँ खड़ा हुआ था तो हमने पकड़ लिया, तो इसको अंदर बंद कर रहे हैं, क्या नाम है आपके बेटे का। तो मैंने कॉल देखते ही मेरे को प्राइमा फेसी लग गया था कि ये कॉल फर्जी है, तो मैंने उनको बोला कि मेरे बेटे का नाम रमेश है जबकि उसका वास्तविक नाम रमेश नहीं है। उन्होंने पूछा क्या करता है, मैंने कहा जॉब करता है, जबकि मेरा बेटा हकीकत में कॉलेज पढ़ने गया हुआ था। उन्होंने और लंबी बात करी, बात करते करते उन्होंने एक बार बच्चे से बात कराई तो उसकी रोते हुए आवाज ऐसी प्रतीत हो रही थी, सेम तो नहीं थी पर जैसे मेरे बच्चे की आवाज हो। एक अनजान नंबर से आई व्हाट्सएप कॉल के जरिए डॉक्टर प्रवीण भार्गव को फंसाने की कोशिश हुई। उन्हें बेटे की गिरफ्तारी का डर दिखाया गया, लेकिन एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर प्रवीण भार्गव ने ना तो अपने बेटे की कोई भी जानकारी उनसे शेयर की और ना ही ये बताया कि वो क्या करते हैं, और पूरी बातचीत को दूसरे फोन में रिकॉर्ड किया और बाद में रिकॉर्डिंग को साइबर थाने को दे दिया। आइए अब आपको भी उस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं। बता दो रहा, दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, उन दोस्तों को पता लड़की का मैटर, उन्होंने लड़की के साथ रेप किया हुआ था। हुकम मेरे को ये तो पता चल जाए कि वो किस जगह खड़ा था। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ पर मेरी एक बार बात तो कराओ। जो ये बच्चे से बात करो, बच्चे इधर आओ, बात करो। इसके बाद ठग एक लड़के से बात करवाते हैं जो रोते हुए डॉक्टर प्रवीण भार्गव से बात करता है। हाँ रमेश। हाँ पापा। बेटा क्या किया था तूने? पापा मैं दोस्तों के साथ खड़ा हो गया था, उन दोस्तों के ऊपर लड़की का मैटर था। तो तू इतना साफ कैसे बोल रहा है आज? इसके बाद फोन छीनने की आवाज आती है और एग्जाम कंट्रोलर का बेटा बनने की एक्टिंग करने वाले शख्स की आवाज बंद हो जाती है। अब शुरू होता है मोल भाव का सिलसिला जो काफी लंबा चलता है। हाँ सर जी। भाई साहब बोले क्या करना, बच्ची को ले जाओ थाने में, अब इसका 50,000 लगेगा। इतनी तो मेरी हैसियत ही नहीं है भाई साहब। मेरी बात है, बच्चे ने मुझे बताया, मैंने 50 बोला, आपने दे नहीं दिया। बोले कितना कर सकते हैं, मैं बच्चे बहुत ज्यादा घबरा, आपका बच्चे के बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, जल्दी बताए बच्चे पे आगे भी क्या ऐसा मैटर हुआ है जिंदगी में। नहीं मैं तो 50,000 की तो मेरी हैसियत नहीं भैया। आप किस पोस्ट में? आपके अकाउंट में कितने बोले, मैं आप दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बोला है 20,000 से ऊपर नहीं होंगे मेरे हिसाब से। भाई साहब देख ले, आपका लड़की रेपर से निकाल रहा हूँ बच्चा भाई, आप कह रहे हैं कि चलो आप ऐसा करें 40,000 कर सकते हैं। 3 दिन लगेंगे भाई साहब, बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप कैसे 3 दिन की बात तो कर मैं अभी हाथों हाथ कहाँ से लाऊं यार। चलो भाई साहब मेरी बात सुने, ये 20,000 आपके अकाउंट में अभी गूगल पे चलाते, फोन पे चलाते, चलो बच्चे से जी बेटा क्लियर करवाने के लिए मुंशी के पास ले जाओ। नहीं गूगल पे तो नहीं है मेरे पास, मैं आ जाऊंगा देने, कहाँ देने हैं? वैसा मेरे अगल बगल में मिट्टी है, घूम रहे, मैं कैश नहीं ले सकता क्योंकि मेरी वर्दी का मसला है। डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसने से डॉक्टर भार्गव तो बच गए, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि जब भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आए तो
तो उसे ना उठाएं। अगर गलती से उठा भी लेते हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि स्कैमर्स का काम ही है आपको डराना और आपकी भावनाओं से खेलकर पैसे निकलवाना। कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों के चैंबर खाली पड़े हैं। मरीज बिना इलाज के घर लौटने को मजबूर। मरीजों के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल पर नासूर बनती जा रही है। आप रिपोर्ट में देखिए, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले करौली का रुख करेंगे, जहां पर करौली जिले के माची गांव में 3 दिन के अंदर दूसरी बार एक ही परिवार में सर्पदंश की घटना सामने आई। एक महिला समेत एक ही परिवार के 3 लोगों को डस लिया गया। अब यहां जानकारी आपको दे दिए कि 2 दिन पहले ही इसी परिवार में सांप के काटने से एक पिता पुत्र की मौत हुई है। माची गांव में सांप की दहशत, एक ही परिवार के 3 लोगों को डसा, 3 दिन के अंदर सर्पदंश की दूसरी घटना। माची गांव में एक ही परिवार को बार बार क्यों डस रहा है सांप? 3 दिन में दूसरी बार एक ही परिवार के 3 लोगों को काट लिया। इससे 2 दिन पहले इसी परिवार में सांप के डसने से पिता पुत्र की मौत हो चुकी है। ऐसे में हर कोई हैरान है कि आखिर सांप एक ही परिवार के पीछे क्यों पड़ा है। तो मेरे को मालूम नहीं कितने बजे हुआ, जब पापा के शर्ट में घुसा था, जब पता चला कि पापा चिल्लाए थे कि सांप सांप सांप, तब मेरे को पैर में दर्द होने लगा था। मैंने घर वालों को बताया कि फिर घर वाले ने सांप काट दिया। सांप ने दीपेंद्र, नगेंद्र, बाबू सिंह के अलावा पड़ोस की एक महिला को भी डसा है। सर्पदंश की घटना के बाद 3 को करौली अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है और परिवार डर के साए में है। बच्चा है अपना दीपेंद्र सिंह, भतीजा है नगेंद्र सिंह। अब मेरे को ये 4:15 के समथिंग मेरे अंदर घुसा है शरीर की, तो मुझको जानकारी हुई है। और बच्चे को देखा तो बच्चे के जब निशान देखे काटे के बच्चे को काट लिया है मेरे से, जब मैंने निकाला तो उसके बाद में भतीजे नगेंद्र सिंह के। 2 दिन पहले इस परिवार में पुष्पेंद्र सिंह नाम के युवक और उसके 4 साल के बेटे की भी सांप के डसने से मौत हुई थी। ऐसे में अब परिवार बेहद परेशान है। पहले हमारे भतीजे की, पुष्पेंद्र की और उसके बच्चे की, दोनों की मौत हो गई है परसों। अभी क्या स्थिति है गांव में, और भी सांप हैं या क्या स्थिति है? और एक महिला को भी खाया है सांप, अभी एक और निकला है सांप। बहुत कारण है कि एक ही घर में से 3-3, 4-4 और एक और अभी गांव में पता पड़ा है कि दूसरे परिवार में एक महिला को सर्प ने डस लिया है। इसीलिए अब ये सीजन में सर्प की जो घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये कुछ अपने अंधविश्वासों के कारण भी मौतें ज़्यादा हो जाती हैं। जो गोल्डन पीरियड होता है उसमें अपन मरीज को लेके नहीं आते हैं, झाड़ फूकों और देवताओं के चक्कर में अपन जो गोल्डन पीरियड है उसको गंवा देते हैं। बहरहाल सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर सर्पदंश की कोई घटना होती है तो झाड़ फूंक से बचें और पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचे। करौली से न्यूज 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी नेता और पुरी से सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड पूरे देश की जमीन पर कब्जा करता है और खरगे जी ने वक्फ बोर्ड की ही जमीन हथिया ली है। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से जमीन कब्जाने वालों की पार्टी बन चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी कल पकड़ी गई चोरी। वो वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जमीन हड़पता है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जमीन हड़प ली है। आप सोचिए जरा, वो पूरे हिंदुस्तान में कोई जमीन हड़प रहा है और यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हीं की जमीन हड़प ली है, और उसकी पेशकश करने के लिए और उसका सबूत रखने के लिए जो उसके अधीक्षक हैं, जो उसके पूरे काम को देखते हैं, उनको कल बुलाया गया था। और यहां वक्त है